टंकी मरोदा मुख्य मार्ग में फोर लेन सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है। फोर लेन निर्माण कार्य में 100 से ज्यादा व्यापारी प्रभावित हुए हैं। प्रभावित व्यापारियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि कोरोना काल में आर्थिक क्षति बहुत पहुंची थी और अब ये समस्या आन पड़ी है। व्यापारियों ने क्षेत्रीय विधायक से व्यवस्थापन की मांग की है। वहीं विधायक द्वारा आश्वासन दिए जाने की जानकारी व्यापारियों ने दी है। लगभग 100 से 150 दुकानें प्रभावित हो रही है, जो 24 ग्रह हो रही है इसमें, और कुछ कुछ दुकानें तो ऐसे ही कि उनकी पूरी पूरी दुकानें चली जा रही है। व्यापारी संघ के माध्यम से हमारे इस क्षेत्र के विधायक माननीय ताम्रध्वज साहू से मुलाकात किए थे। उन्होंने कहा था कि आपने आप लोगों के द्वारा कोई जगह चयन कर लीजिए, हम वो जगह जगह पर आप लोगों को व्यवस्थापन देंगे। कोरोना काल में सारे व्यापारियों की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी और सारे के सारे लोग रोड पे आने की स्थिति आ गई है, और आज फिर द्वारा जो भी 24 चरण की स्थिति में सारे व्यापारी फिर उस चपेट पर आ गए और व्यापार अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जितने लोग प्रभावित हुए हैं उनको मुआवजा दें और उनको व्यवस्थापन दें। व्यापारी संघ विरोध करेगी उस चीज़ के लिए, अपनी मांग को पूरा करने के लिए। मेरा तो 4 लाइन के चक्कर में टूटी है और करीब 80% टूटी है। मैं यार कैसे भी करके चला रहा था, लॉकडाउन में 2 साल का चला ही नहीं दुकानदारी, लॉकडाउन चला ही नहीं, पूरी तरह से कर्जे में डूब गया हूँ। दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरकार से उम्मीद करता हूँ कि मेरा कहीं पर रोजी रोटी का व्यवस्थापन कर दिया जाए। कुलदीप है, कुलदीप के साथ।